वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ। फ्रेंड्स, हर एक गार्डनर का सपना होता है कि उसके गार्डन में ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हों, ढेर सारी हैंगिंग्स हों और बहुत सारे ऐसे पौधे हों जिनमें हमेशा फूल खिलते रहें। अपने इसी शौक को मद्देनज़र रखते हुए मैं नर्सरी गई और नर्सरी से मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है। ये देखिए, बहुत ढेर सारे प्लांटर्स खरीदे हैं, बर्ड हाउस खरीदे हैं, गुड़हल के प्लांट्स खरीदे हैं। ये मैंने मल्टी कलर की हाइब्रिड पॉट लगा खरीदी हुई है और इसमें एक वाइट कलर की पर्सलेन है जो कि मुझे नर्सरी से फ्री मिली है इतने सारे प्लांट्स खरीदने की वजह से। ये सारी पॉट लगा उसने मुझे 20-20 रुपए का एक पैकेट बताया था, एक पैकेट 20 रुपए का, लेकिन मैंने 6 कलर्स की खरीदी तो उन्होंने मुझे 100 रुपए की दी हैं। एक ये प्लांट है, उसने मुझे नर्सरी वाले ने बताया कि ये रूबिया का प्लांट है, पर मुझे कुछ डाउट था कि ये नाम सही नहीं है और ये प्लांट मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेज़ करा है। ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है और इसके फ्लावर्स ऑरेंज कलर के हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। वाइट कलर का गुड़हल खरीदा है जो कि मुझे 50 रुपए का पड़ा है, बड़ा प्लांट है। एक पिंक कलर का गुड़हल भी खरीदा है, ये भी मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है। और वाइट कलर की बोगनवेलिया मैंने खरीदी है, मेरे पास हर कलर की है, पिंक कलर की है, ऑरेंज कलर की है, वाइट कलर की नहीं थी तो मैंने परचेस कर ली है। एक बर्ड हाउस मैंने परचेस किया हुआ है और एक बर्ड हाउस मुझे फ्री मिला है। इसका वीडियो आप शॉर्ट्स पे देख सकते हैं कि ये मुझे फ्री कैसे मिला है। वैसे मैंने बहुत जगह पर बर्ड हाउस बनाकर लगाए हुए हैं इस तरह से, ये देखिए, लेकिन मैंने और भी परचेस किए हैं क्योंकि बर्ड्स यहाँ पर बहुत, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर चिड़िया घोंसला बहुत बनाती हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बर्ड्स घोंसला बनाती रहती हैं, इसीलिए दो और मैंने परचेस किए हैं जिससे कि बारिश में और धूप से हमारे जो पशु पक्षी हैं वो बच सकें। ये हैंगिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए हैं, ये काफ़ी, ये देखिए, इनका, इनके अंदर का जो गहराव है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपके जो भी हैंगिंग वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। पिटूनिया है, आपकी पोर्टुलाका है, तो मैंने इसे 50 रुपये की, ये एक मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी है और मैंने ये 5 कलर्स खरीदे हैं और इनमें मैं अपनी ये कलरफुल पोर्टुलाका लगाऊंगी कलर के हिसाब से, हर एक में अलग अलग। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन्हें यहाँ पर ये पेड़ों की छांव में आप जब इन्हें लगाएंगे तो इस तरह से देखिए चिड़िया आकर ज़रूर यहाँ पर घोंसला बनाएंगी। दोस्तों, ये बर्ड हाउस फाइबर के बने होते हैं और अगर आप इन्हें बारिश में या धूप में कहीं पर भी लगा देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे और इसी तरीके से ये कलर भी इनका ऐसे ही रहेगा। और अगर आपको लगे कि कभी 6-7-8 महीने में इनका कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है तो आप इनमें नए कलर्स कर सकते हैं। दो कटोरियाँ भी इसमें लगी हैं, एक में आप पानी रख सकते हैं और एक में आप कुछ खाने के लिए भी रख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और ये मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा है। तो मेरे द्वारा प्लांट से शॉपिंग की दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।